के एक रिएक्ट की ऐप बनाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, इसको इस सर्वर को हिट करके देखते हैं। पहले हमने एक रिएक्ट की ऐप बनाई थी वेदर ऐप, उससे हम एक सर्वर कॉल करते थे किसी और का, लेकिन अपना नहीं करते थे, किसी और का कॉल करते थे, राइट। तो अब ज़रा हम एक काम करते हैं, एक जल्दी से इसी की मैं इसी फोल्डर के मैं कॉपी बना रहा हूँ, अच्छा जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, कॉलिंग सर्वर APIs फ्रॉम React। बल्कि यार इससे पहले एक काम और करना चाहिए हमें, R3 स्टेटिक होस्टिंग विथ एक्सप्रेस, सही है ये मेरा ख्याल है, इसके बाद फिर हम वो वाला काम करेंगे। अच्छा स्टेटिक होस्टिंग क्या चीज़ है ये भी अच्छे से समझ लो। देखो एक तो हम भेजते थे ना पूरा रिएक्ट की फाइल उठा के हम फायरबेस पे भेज देते थे, दैट इज एन ऑप्शन ऑफ कोर्स, बट अगर आपके पास खुद का सर्वर है एक्सप्रेस का, तो उस एक्सप्रेस के सर्वर पे भी आप स्टेटिक होस्टिंग कर सकते हैं। तो वो हम करके देख रहे हैं कि वो कैसे होती है, सही है, इसको बहुत गौर से समझिएगा। अच्छा तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हम, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने रिएक्ट की ऐप को फायरबेस होस्टिंग पे भेजें या नेटलीफाई होस्टिंग पे भेजें या सर्च होस्टिंग पे भेजें। अगर मेरे पास खुद का सर्वर है, मोस्ट प्रोबेबली गूगल ऐप इंजन या कोई भी जो भी सर्वर होगा, मैं उसको पे कर रहा हूँ ना, तो मैं इस वाले सर्वर को भी पे करूँ, उधर होस्टिंग का भी पे करूँगा, दो जगह नहीं पे करूँगा। तो मेरा अगर खुद का सर्वर मौजूद है एक्सप्रेस का, तो मैं अपने रिएक्ट की ऐप भी उसी सर्वर पे होस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो ज़रा हम ये करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। अच्छा मैंने क्या किया, जो लास्ट हमने ऐप बनाई थी उसी की एक कॉपी बना चुका हूँ मैं, उसी की एक कॉपी बना चुका हूँ। अच्छा अब अगर इसको आप गौर से देखें, तो ये मेरे पास फोल्डर है 3 स्टेटिक होस्टिंग विद रिएक्ट, इसके अंदर इस वक्त एक सर्वर का कंप्लीट सेटअप जो है वो मौजूद है, server.mjs की फाइल है जिसमें मेरा एक्सप्रेस का कोड लिखा हुआ है, package.json है जिसमें क्या लिखा हुआ है, मेरी डिपेंडेंसीज लिखी हुई है, कौन कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है, स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसके अंदर, log.json है, log.json क्या करता है वर्जन्स को लॉक कर देता है, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था ये। उसके अलावा गिट इग्नोर है कि इस फोल्डर में मौजूद कौन कौन सी चीज़ों को मुझे गिटहब में नहीं भेजना, यानी कि नॉट मॉड्यूल को नहीं भेजना, और नॉट मॉड्यूल इटसेल्फ इसमें मौजूद है, राइट। तो ये एक सर्वर का एक क्लासिक एक सेटअप है जो हम पिछले दो क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने एक अदद रिएक्ट की ऐप बना देनी है, सही है, इसके अंदर मैंने क्या कर देना है, एक अदद रिएक्ट की ऐप बना देनी है। कैसे बनाऊंगा मैं रिएक्ट की ऐप, पहले मैं इस फोल्डर में चला जाऊंगा और जाके टर्मिनल ओपन कर लूंगा, मैंने कहा CD फाइल टैब एंटर, सही है, ये मैं इस वाले फोल्डर में आ गया। अब मैंने इसमें आना है, मैंने कहा CD 3 टैब एंटर, सही है, क्लियर। अब मैं कौन से वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ टर्मिनल में अपने, ठीक है, स्टेटिक होस्टिंग विद एक्सप्रेस ऐप। यहाँ पे खड़ा होकर मैं क्या करूँगा, एक रिएक्ट की ऐप को इनिशियलाइज करूँगा मैं, राइट। मैंने कहा कि भाई npx create-react-app space web, मैं अपनी इस वक्त रिएक्ट की जो ऐप है उसका नाम रख रहा हूँ वेब, राइट, एंटर। तो अब इससे होगा क्या कि मेरा जो ये करंट सेटअप है ना सर्वर का, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा वेब के नाम से, जिसमें पूरी की पूरी मेरी एक वेब एप्लीकेशन होगी रिएक्ट की, सही है। अच्छा अब इस वेब एप्लीकेशन में जाके मैंने क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं करना, जो उसका एक मेन पेज है ना उस सबको रिमूव करके वहाँ पर मैं लिख दूंगा कि IM रिएक्ट वेब एप्लीकेशन, लाइक इस तरह करके कुछ ना कुछ लिख दूंगा। और फिर हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेस की ऐप को, उस रिएक्ट की वेब एप्लीकेशन को, उसकी होस्टिंग करने की कोशिश करेंगे हम एक्सप्रेस के जरिए। पहले हम फायरबेस होस्टिंग पे करते थे, अब हम एक्सप्रेस के जरिए उसकी होस्टिंग करेंगे अपने सर्वर पर। चल जाओ भाई फटाफट चल जाओ, आज की डेट में हमारे पास अभी है 1 घंटा तो है हमारे पास, काफ़ी टाइम है। अच्छा
हाँ बिल्ड हमें इसमें भी बनानी पड़ेगी ऑफ कोर्स। रीड क्या चीज़ है पता नहीं, मैंने नाम नहीं सुना, बताओ स्पेलिंग बताओ। अच्छा ये तो वाइट इज़ अ मॉडर्न फ्रंट एंड बिल्डिंग टूल प्रोवाइड्स एन एक्सट्रीमली फास्ट डेवलपमेंट। ये मैंने यार यूज़ नहीं किया, मैंने नाम सुना है इसका पहले भी ना, बट अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। ये कोई सी एल आई टूल है जो क्रिएट रिएक्ट ऐप की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं ना, ये क्या बता रहा है रिएक्ट। अच्छा ये क्या हुआ? अच्छा इसके नीचे, अच्छा npm create white @latest, इससे क्या होगा एक नई ऐप बन जाएगी रिएक्ट की। चलो नेक्स्ट टाइम इसको हम ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसे चलता है, अभी तो फिलहाल हम ये जो अपना, ठीक है जी ये मेरी कमांड पूरी चल गई है, और पूरी कमांड चलने के बाद ये वेब के फोल्डर में एक पूरा मेरा एक वेब एप्लीकेशन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है सब लोगों की तवज्जो है इस तरफ। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैं इस के src में गया और src में जाके app.js में गया, इसको पहले तो jsx बना दूँ मैं ताकि मुझे सजेशंस दे रहा हो अंदर ये, ठीक है। और इस app.js में आके, अच्छा पहले तो मैं इसको cd wrap करके ना, पहले तो मैं इस वेब के फोल्डर में जाके npm start चला देता हूँ ताकि ये रन भी हो जाए ना, साथ में मैं जो लिखूँ मुझे पता भी चलता रहे कि ब्राउज़र पे कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर ऐप में, ठीक है जी। तो अभी कुछ इस तरह की होती है जब रिएक्ट की ऐप बनती है, तो मैं ये सब कुछ हटा के और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आई एम अ हेलो वर्ल्ड रिएक्ट फ्रंट एंड, सही है। तो ये सब मैंने इसमें से रिमूव कर दिया और मैंने कहा भाई आप यहाँ से हट जाओ, और यहाँ पे मैं एक H1 बना देता हूँ, आई एम हेलो वर्ल्ड रिएक्ट फ्रंट एंड, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक ही हेडिंग लगा दी, सही है चलेगा गुड, ठीक है। तो ये मेरी एक सिंपल सी एक बहुत ही एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो कि इस वक्त मेरी मशीन में रन हो रही है। अच्छा अब मैंने क्या करना है, इसका एक सेटअप करना है ऐसा कि सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी। उसके लिए मुझे सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बिल्ड का फोल्डर अभी नहीं बना हुआ है, रिएक्ट की ऐप में जो बिल्ड का फोल्डर होता है वो नहीं है। तो मैं एक और टर्मिनल खोलता हूँ जो कि इसी फोल्डर में खुलेगा, मैंने कहा npm run build enter, ठीक है, ताकि बिल्ड का फोल्डर बन जाए, क्योंकि चलता तो एक्चुअल में बिल्ड का फोल्डर है, ठीक है। ये जो src के अंदर जो चीज़ है ना वो एक्चुअल में रन नहीं हो रही होती, ठीक है ये हो गया। उसके बाद मैं इसको इस टर्मिनल को वापस बंद कर देता हूँ जो अभी अभी मैंने वो किया था। अच्छा यहाँ तक मेरे वेब एप्लीकेशन का जो काम था वो हो गया, वेब एप्लीकेशन में मुझे जो कुछ करना था वो मैं कर चुका। अब मैंने आना है अपने सर्वर में, ये मेरा सर्वर है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। अब मेरे इस सर्वर के अंदर मुझे क्या बात बतानी है, मुझे ये बात बतानी है कि जो स्लैश की रिक्वेस्ट आती है ना, जो अभी इस वक्त स्लैश की रिक्वेस्ट पर मैं क्या भेजता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड भेजता हूँ, एक टेक्स्ट भेजता हूँ हेलो वर्ल्ड का। अब मुझे ये सर्वर में ये बात लिखनी है कि अगर स्लैश की रिक्वेस्ट आती है तो क्या भेजो आप, मेरे रिएक्ट का जो बिल्ड का फोल्डर है ना वो भेजो उठा के, समझ रहे हो ये बात, थ्योरेटिकल तो समझ आ गया ना ये हो क्या रहा है अभी। अच्छा तो पहले इसको मैं बना देता हूँ, मतलब स्लैश से मैंने कुछ और बना दिया abc, अब स्लैश मैं नीचे अलग से बनाऊँगा, मैंने कहा ऐप डॉट गेट, सही है, मैंने कहा स्लैश, सही है कॉमा, और वो पूरा जो एक क्लासिक इसका एक वे है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह करके बना दिया। अब मैंने कहा कि स्लैश की रिक्वेस्ट जब भी आए ना तो आपने क्या करना है, आपने भेजना है मेरे बिल्ड का फोल्डर। अच्छा वो बिल्ड का फोल्डर भेजने का जो तरीका है ना उसको असल में बोलते हैं स्टेटिक, एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक करके एक चीज़ होती है। तो मैं अब कहाँ जाने लगा हूँ, एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में जाके वो एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक का मैं कोड देखूंगा अब जाके कि वो काम कैसे करता है, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट
स्टेटिक, सही है। तो ये मैं एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में आ गया, ये इसका जो टाइटल है वो सर्विंग स्टेटिक फाइल इन एक्सप्रेस, ये इसका टाइटल है इस डॉक्यूमेंट का। तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई आप ना, ये है वो लाइन जो आप लिखोगे, अच्छा ये अभी असल में मैं भी बड़े दिनों बाद ये कोड लिख रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा भूल गया था, ये ऐप डॉट गेट इस तरह नहीं होगा, ये इसी तरह ऐप डॉट यूज होगा, ये सही है। अच्छा ऐप डॉट गेट में और ऐप डॉट यूज में क्या फ़र्क है ये भी ज़रा सुन लो लगे हाथों। देखो ऐप डॉट गेट ना जब चलेगा जब गेट की रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन ऐप डॉट यूज पता है कब चलेगा, हर तरह के मैथड में चलेगा, समझ रहे हो बात। देखो जब हम कोई सर्वर कॉल कर रहे होते हैं, मैं वापस अगर ब्राउज़र में आता हूँ और ब्राउज़र में आके मैं बोलता हूँ लोकल होस्ट 3000/, सही है, इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो ये जो मेरा ब्राउज़र है ना, ये ब्राउज़र का जो यहाँ पर बार है इसमें कुछ भी लिख के एंटर करता हूँ, ये हमेशा कौन सी रिक्वेस्ट लगाता है, गेट की रिक्वेस्ट लगाता है हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं ऐप डॉट गेट लगाता हूँ ना, तो सिर्फ यहाँ से जाने वाली जो गेट की रिक्वेस्ट है उस पर वो क्या भेजेगा, मुझे स्टेटिक फाइल भेजेगा, गेट के अलावा कोई भी दूसरी रिक्वेस्ट होगी मुझे वो कुछ नहीं भेजेगा, समझ रहे हो बात। तो एक तो ये हो गया, तो ऐप डॉट यूज़ का मतलब ये है कि मेथड कोई सा भी हो, इवन दो कि अगर पोस्टमैन, अच्छा यहाँ से मैं ना गेट के अलावा कोई दूसरी रिक्वेस्ट भेज भी नहीं सकता, वो मुझे भेजने के लिए या तो पोस्टमैन टाइप का कोई टूल चाहिए होगा या तो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू भेज सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई ऐप डॉट यूज़ के किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट आए उसका एड्रेस सिर्फ स्लैश होना चाहिए, तो फिर क्या करोगे आप, एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक और पाथ डॉट जॉइन और डी आई आर नेम में क्या मिल रहा होता है, डी आई आर नेम एक कॉन्स्टेंट होता है, इसमें आपको जिस डायरेक्टरी में आपकी ऐप पड़ी हुई है, जाहिर है ये उठा के मैं कहाँ भेज दूंगा, किसी क्लाउड में भेज दूंगा, ये पूरी की पूरी ऐप उठा के मैं किसी क्लाउड में भेज दूंगा ना, तो वहाँ पे जब ये क्लाउड में पहुँचेगा तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो कौन सी डायरेक्टरी में उसको पेस्ट करेगा, जाके सी ड्राइव में करेगा डी ड्राइव में करेगा। तो ये जो अंडरस्कोर डी आई आर नेम है ना, जो ये मुझे क्या देगा, C:// और फिर फोल्डर का नाम, फिर फोल्डर जहाँ पे भी पड़ा होगा पूरा मुझे पाथ वो देगा, सही है। तो अब यहाँ पे ना ये जो पूरी कमांड है इसको हम अगर, इस पूरी कमांड को हम क्या करें, अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो ये कह रहा है कि भाई पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ किस चीज़ को कहते हैं, ये जो C:// ये पूरा है इसको पाथ कहते हैं, राइट, किसी भी फोल्डर का जो एड्रेस होता है वो पाथ कहलाता है। तो ये पाथ डॉट ज्वाइन करके ना जिस फोल्डर में मेरा इस वक्त सर्वर चल रहा है वो फोल्डर का पाथ और उसके बाद उस पर स्लैश पब्लिक को ये जोड़ रहा है। अच्छा लेकिन मेरे केस में मेरी फाइल जो है वो पब्लिक में नहीं है, मेरी फाइल है web/build, यही है ना मेरी फाइल, मेरी फाइल इधर पड़ी हुई है देखो, वेब और उसके अंदर बिल्ड, सही है। तो जो मेरे से फायरबेस पूछता है ना कि भाई आपका बिल्ड का फोल्डर कौन सा है, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको। अच्छा अब सवाल यहाँ पे ये है कि डी आई आर नाम के साथ मैं प्लस भी तो कर सकता था, ये मैं पाथ डॉट जॉइन का टूल क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक लाइब्रेरी है पाथ के नाम से ना, जो मतलब मिल रही होती है मुझे यहाँ पे, इन्होंने इसको रिक्वायर भी किया हुआ होगा, देखो यहाँ पे इसने रिक्वायर किया हुआ है ना, हम भी अपने पास इसको इम्पोर्ट करेंगे क्योंकि हम नई वाली जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको, ये जो रिक्वायर वाला पार्ट है इसको मैं इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। अच्छा ये जो लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये नॉट जेएस में बिल्ट इन पहले से ये लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, ठीक है। कुछ लाइब्रेरी ऐसी भी जिनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये पाथ इज़ वन ऑफ दोज लाइब्रेरीज जिसको हमें इंस्टॉल नहीं करना होता। तो अब ये करेगा क्या, पाथ डॉट जॉइन जो भी मेरा इस वक्त करंट डायरेक्ट्री में सर्वर चल रहा है उसमें ये वाले पाथ को जोड़ देगा। अब सवाल ये कि ये तो मैं प्लस के साइन से भी कर सकता था, मैं ये लाइब्रेरी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कोई बता सकता है ये बात। नहीं सिंटैक्स, वैसे मैं प्लस करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, राइट, मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये पाथ डॉट ज्वाइन का ये क्या चक्कर है, चलो मैं बता देता हूँ क्या चक्कर है। असल में विंडोज का जो पाथ होता है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पाथ होता है वो बिल्कुल अलग होता है, लिनक्स के अंदर जो पाथ होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मिसाल के तौर पर
विंडोज़ के अंदर अगर मैं जाके ना यहाँ पे लिखूँ मैं कि विंडोज फोल्डर पाथ ऐसी मैंने लिखा है, ठीक है, ये देखिए आप, ओ ये तो बहुत वो हुआ है, हाँ ये देखो ये विंडोज के फोल्डर का पाथ है ना, एक सी कॉलन स्लैश स्लैश, इसके अंदर जो स्लैश है ये फॉरवर्ड स्लैश है या बैकवर्ड स्लैश है, ये बैकवर्ड स्लैश है जो कि आपके बैक स्पेस के बटन के नीचे वाले पे होता है बैकवर्ड स्लैश, सही है। अच्छा अब इसी तरीके से अब मैं बोलूंगा लिनक्स, अब इसमें कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है। अब रिगार्डलेस के मेरा जो सर्वर है अगर वो विंडोज की मशीन पे गया तो उसमें बैकवर्ड स्लैश मिलेगा मुझे पाथ में, और वो अगर किस में गया लिनक्स में गया तो फॉरवर्ड स्लैश मिलेगा। अब मैं अगर प्लस लगा दूंगा ना वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा प्लस लगाने के बाद मैं जो पाथ लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं कौन सा लिख रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड स्लैश वाला लिख रहा हूँ यानी कि लिनक्स वाला, क्योंकि मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं विंडोज पे होता तो मैं शायद बैकवर्ड लिखता, लेकिन बैकवर्ड तो खैर नहीं लिखते, लिखते फॉरवर्ड ही हमेशा। तो ये पाथ रोड ज्वाइन ना क्या करता है, चेक करता है कि ये पाथ मिला कौन सा वाला है, और अकॉर्डिंगली उसको ना फॉरवर्ड बैकवर्ड इन चीज़ों का ख्याल करके वो एक आपको रिजल्ट जनरेट कर देता है। एक और फर्क ये है इसी तरह का कि आप अगर बैक करता हूँ ना, आप अगर विंडोज़ का पाथ देखें ना तो ये शुरू कहाँ से होता है, सी ड्राइव से शुरू होता है, लेकिन लिनक्स में और मैक में तो ड्राइव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पर पाथ शुरू होता है अलिफ मद्दा से, हाइफन से ना, यानी कि होम डायरेक्टरी से। अगर मैं ये आप देख रहे हैं ये एक पाथ है, अब इसमें तो शुरू में वो है ही नहीं सी ड्राइव, या तो ये होम से शुरू होता है या तो ये रूट से शुरू होता है इसका जो पाथ होता है। तो अब मैंने अगर सिंपल प्लस लगा दिया तो ये भी गड़बड़ है। तो ये पाथ डॉट ज्वाइन जो है, ये पाथ डॉट ज्वाइन जो है ये क्या करता है, इन सारी चीज़ों का ख्याल कर लेता है, सही है। अच्छा एक पाथ डॉट ज्वाइन के साथ ना पाथ डॉट रिजॉल्व भी लगता है, वो इसने पता नहीं क्यों नहीं लगाया अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, एक मिनट, पाथ डॉट रिजॉल्व भी लगता है एक ना, कि जो रिजॉल्व क्या करता है वो एंड में जो पाथ बन के निकला है ना उसको भी एक दफ़ा और पता नहीं क्या उसमें चेक करता है। तो ये ज़रा हम ना इसका एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं, किसी ने स्टैक ओवरफ्लो पे बना के डाला है। अच्छा किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब पाथ डॉट ज्वाइन करूँ मैं या पाथ डॉट रिजॉल्व करूँ तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो असल में मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है तो मैं दोनों को मिला के यूज़ कर रहा होता था, पाथ डॉट ज्वाइन भी फिर रिजॉल्व भी। अच्छा किसी ने ये जवाब दिया हुआ है कि भाई अगर पाथ डॉट रिजॉल्व आप कॉल करते हो तो ये क्या करेगा, कॉमा 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 को ये बनाएगा, और पाथ डॉट तो ज्वाइन क्या बनाएगा, वो ये बनाएगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, इस तरह करके ये शायद यहाँ पे ये जो डी आई आर नेम मुझे मिला है ना इसको पहले रिजॉल्व करना होता है। अच्छा मैं ये नहीं भी लगाऊंगा तो अभी ये बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन इन सम सर्टेन सिनेरियो में भी हो सकता है ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये एहतियात के तौर पे लगाया जा रहा है, पाथ डॉट रिजॉल्व डी आई आर नेम, हाँ ये तुमने बिल्कुल सही बताया, इसी तरह होता है, याद आ गया मुझे।
कि जो भी मुझे DIR नेम मिलता है ना, पहले मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ। वो रिजॉल्व करने से क्या होता है, उसको वो एक जेनेरिक पाथ में शायद कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, और फिर मैं उसको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन करना। अच्छा, तो अब क्या होगा कि कभी भी मैं इस पर जब स्लैश की रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे ये क्या उठा के देगा, मुझे ये एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक, यानी कि एक स्टेटिक फाइल उठा के देगा। कौन से वाले में से, बिल्ड के फोल्डर में से, सही है, ये मुझे देगा। अच्छा, बिल्ड के फोल्डर में तो इतनी सारी फाइलें, क्या मुझे ये सारी फाइलें एक साथ दे देगा? बिल्ड के फोल्डर में अगर किसी फाइल का मैंने नाम नहीं लिखा ना, मैं ये भी कर सकता था, मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिख देता, मैं लिखता स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये भी लिख सकता था, लेकिन चूंकि मैंने फाइल का नाम नहीं लिखा तो वो बाई डिफॉल्ट क्या ढूंढेगा उसमें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ढूंढेगा, इंडेक्स नाम की कोई फाइल ढूंढेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या है कि जब मैं स्लैश की रिक्वेस्ट करूंगा ना इस सर्वर पे, अब तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये वाली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल मिल जाएगी। सही है। अच्छा, ये वाली इंडेक्स की फाइल जब मुझे मिलेगी ना, तो अब इसमें देखो गौर करो क्या है, ये अपना सी एस एस भी खुद उठा लेगा। सही है, ये अपनी जावा स्क्रिप्ट भी खुद उठा लेगा, ये इसकी जावा स्क्रिप्ट है, तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेस की ऐप आपको लगेगा लोड हो गई, लेकिन असल में आपको सिर्फ ये वाली फाइल मिल रही होगी उस रिक्वेस्ट पर। तो अब जल्दी से इस सर्वर को हम रन कर लेते हैं और हम चला के देख लेते हैं, काफ़ी हमने थ्योरी पढ़ ली है, अब जल्दी से इसको हम रन करने चाह रहे हैं। ठीक है, npm start, मैं किस फोल्डर में जाके मैंने npm start चलाया, ये क्या कह रहा है भाई, underscore dir name is not defined in es module। सही है, ये इसको भी ना असल में रिजॉल्व कर वो करना पड़ता है, ऊपर रिक्वायर करना पड़ता है, मुझे याद आ रहा है। नहीं, इसमें एक तरीका होता है, वो उससे आपको मिल रहा होता है। क्या कह रहे थे तुम? हाँ, यहाँ पे इस जगह पे। अच्छा नहीं, ये असल में जो एरर आया ना वो ये मैसेज आया कि underscore dir नेम ना ES5 में एक कांस्टेंट हुआ करता था जो हर वक्त अवेलेबल होता था, एक ग्लोबल कांस्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब मुझे क्या करना होता है, ये पाथ की लाइब्रेरी के जरिए ना गेट करना होता है मुझे। ठीक है, तो वो असल में मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो गेट कैसे हुआ। मैंने अपने ना गिटहब में ये एक ज़रा बना के रखा हुआ है, मुझे अभी याद पड़ रहा है, मैं डॉट लिखूँगा ना मॉड्यूल, वो देखना पड़ेगा, पता नहीं किस नाम से बनाया था मैंने, भूल गया हूँ। एक तो हेलो वर्ल्ड भी इतने सारे मैंने बनाए हुए ना। इसमें से ढूंढ लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो इस तरह से मिल गया मुझे ना, ये ऐसे करके मिलता है ये पाथ डॉट रिजॉल्व। सही, अगर मतलब मैं इसमें से ये हटा दूं तो सेट हो जाएगा ये। हाँ चल गया, ठीक है। खैर, मैं इसको ज़रा अलग से कर लेता हूँ।
तरह से ये है कुछ। पहले ये dir नेम जो था वो एक ग्लोबल कांस्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब इसको मुझे पाथ डॉट रिजॉल्व करके गेट करना होता है। तो सेट है, ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने इसको रन कर दिया। अब इसको मैंने क्या करना है, चला के देखना है। अगर मेरी ही मशीन में जो सर्वर रन हो रहा हो किसी भी पोर्ट पे, अभी बाय द वे पोर्ट कौन सी है इसकी, पोर्ट 3000 पे चल रहा है। मेरी ही मशीन में अगर कोई सर्वर रन हो रहा हो तो मैं उसको कैसे एक्सेस करता हूँ। अच्छा, ये जो npm start चल रहा है ना रिएक्ट वाला, इसको मैं रोक देता हूँ ना, ताकि मतलब इस पर भी चल रहा है, उस पर भी चल रहा है, डबल डबल ना हो। सही है, इसको मैं बल्कि किल भी कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी जो टर्मिनल चल रहा है वो किसका चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सर्वर का टर्मिनल चल रहा है मेरे पास। सिर्फ मेरे पास जो सर्वर है वही रन हो रहा है, मेरे पास कोई और चीज़ रन नहीं हो रही है। जो npm start था उसको मैंने बंद कर दिया रिएक्ट वाला, अभी npm start सिर्फ सर्वर का चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट लिखूँगा तो मेरी मशीन पे जो सर्वर है वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लोकल होस्ट और 3000 ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा सर्वर 3000 पे एंटर किया, ये रिएक्ट की ऐप खुल के सामने आ गई मेरी। सही है, अब मैंने अगला काम क्या करना है, इस पूरे सर्वर को, जो बना हुआ सर्वर है, इसको मैंने उठा के साइक्लिक पे भेजना है, राइट। इसको मैं उठा के साइक्लिक पे भेजूंगा तो क्या होगा, फिर ये मेरी रिएक्ट की ऐप साइक्लिक पे होस्ट हो जाएगी। लेकिन साइक्लिक पे ना सिर्फ होस्ट होगी बल्कि वो मेरे अपने सर्वर में होस्ट होगी। फिर अभी मैं सर्वर में और भी बहुत कुछ करूँगा, तो इसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, इतना जो कोड लिखा मैं इसको कमिट कर देता हूँ, क्लास कोड एंटर। सही है, अच्छा। तो साइक्लिक पे होस्ट करने के लिए लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक अलग से रिपोजिटरी बनाई थी, राइट, एक अलग से रिपोजिटरी बनाई थी और मैंने यहाँ पे इसको क्लोन किया था, डिलीट कर दिया था। तो चलते हैं गिटहब से दोबारा उसको डाउनलोड करके लाते हैं। अच्छा, ये था ना मेरा माई फर्स्ट एक्सप्रेस सर्वर ऑन क्लाउड, यही था ना। तो अगर मैं इसमें वो सारा का सारा कोड उठा के डाल दूँ तो ऑटोमेटिक साइक्लिक पर डिप्लॉय हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम उसी पे उसी से कनेक्ट करके बैठे हुए हैं लास्ट टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कनेक्टेड है कि साइक्लिक के प्रोडक्शन से ये कनेक्ट हुआ है, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोन कर लेता हूँ। मैंने कहा कि यार cd डेस्कटॉप और git क्लोन, और ये मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, मेरे पास ये बनकर आ गया। मैंने कहा cd माई फर्स्ट एक्सप्रेस सर्वर ऑन क्लाउड, इस फोल्डर में गया, मैंने कहा कोड स्पेस डॉट और एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। कोड स्पेस डॉट जैसे ही किया तो ये देखो मेरे पास कौन सी वाली रिपोजिटरी खुल गई, जो रिपोजिटरी साइक्लिक से कनेक्टेड है। तो मैं इस रिपोजिटरी से सब कुछ डिलीट करता हूँ, सब कुछ डिलीट कर दिया। अब मैं इस रिपोजिटरी में कौन सी चीज़ लाके पेस्ट कर दूंगा, ये तमाम का तमाम कोड लाके पेस्ट कर दूंगा, राइट। अच्छा, नॉट मॉड्यूल तो मुझे नहीं करना, नॉट मॉड्यूल के अलावा जो है ना उसको कर लेता। सही है, ये मैंने तमाम का तमाम कोड यहाँ से कॉपी किया जो मैंने लिखा हुआ था, और इधर लाके मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं कोड पुश करूँगा ये ऑटोमेटिकली साइक्लिक पर डिप्लॉय हो जाएगा। अगर कल की क्लास किसी ने मिस कर दी थी कि भाई इस रिपोजिटरी को मैंने साइक्लिक से कैसे कनेक्ट किया था, तो वो फिर कल वाली वीडियो देख लें। सही है, ठीक है। मैंने कहा भाई सम कोड और पुश कर दिया इसको मैंने। सही है, जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे अभी जो 2 days ago लिखा हुआ है ना कि लास्ट एडिट हुआ है 2 दिन पहले, अब ये मुझे बोलेगा कि यार अभी अभी एडिट हुआ है ये, ठीक है, 13 seconds ago एडिट हुआ है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे देखो ब्राउन कलर का ये बना के दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये साइक्लिक पे जा रहा है। अभी मैं एक्शंस में जाकर देखता हूँ। अच्छा, एक्शन तो ये शो नहीं कर रहा, हालांकि करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। वेल, चलो टिक लग गया है यहाँ पे, तो अब टिक लग चुका है यहाँ पे, तो हम चलते हैं साइक्लिक पे और वहाँ से ज़रा URL निकाल के लाते हैं, क्योंकि वो URL तो मैं भूल गया हूँ कि क्या था इसका। ठीक है जी, साइन इन, नहीं वो स्वीट पैंट को चेंज कर दिया था बाद में, बेहतर URL लगा दिया था। ये था ना हमारे पास, ये वाला था हेलो एक्सप्रेस डॉट साइक्लिक डॉट ऐप।
अच्छा तो अब मैं इस वाले पे क्या करूँगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं नए टैब में आके जब इसको पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, मुझे वो रिएक्ट की ऐप नज़र आ जानी चाहिए लेकिन नहीं नज़र आई। तो मैं ज़रा देख लेता हूँ कि ये प्रॉपर डिप्लॉय हुआ है कि नहीं हुआ। सेटिंग में गया मैं, डिप्लॉयमेंट्स में गया, और अच्छा ये पता क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि वेब के फोल्डर में ये जो बिल्ड है ना, ये बिल्ड ये गिट इग्नोर में डला हुआ है, और जो चीज़ गिट इग्नोर में होती है वो गिटहब में जाती नहीं है, गिटहब में नहीं जाएगी तो साइक्लिक में भी नहीं जाएगी। तो मुझे इस बिल्ड को गिट इग्नोर में से हटाना है पहले, ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, रोक दिया मैंने, ठीक है। जैसे ही मैंने रोका तो देखो यहाँ पे बिल्ड की सारी फाइलें आ गई, मैंने कहा न्यू बिल्ड एंटर, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि बिल्ड का फोल्डर मुझे अब गिटहब में भेजना पड़ेगा, राइट। अच्छा एक काम मैं और भी कर सकता हूँ, बाय द वे एक काम मैं और ये कर सकता हूँ, देखो कि मेरे पास जो पैकेज डॉट जेसन है ना, मैं स्टार्ट में क्या करता हूँ नॉट और सर्वर डॉट एमजीएस कर देता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ उसमें कि पहले सीडी करूँ वेब एंड और मैं बोलूँगा यार npm रन, नहीं पहले तो npm इसमें इंस्टॉल होगा, npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड एंड सीडी करके वापस फोल्डर में आऊँ और एंड करके क्या करूँ मैं अपना सर्वर रन करूँ। तो अगर मैं ये कमांड करके चलाऊँ ना तो फिर अगर मैं बिल्ड का फोल्डर ना भी भेजूँ तो चलेगा। याद है मैंने शुरू में बताया था कि अभी मेरा सर्वर सिर्फ नॉट और फाइल का नाम करके चलता है, लेकिन कल को ये कमांड लंबी चौड़ी भी हो सकती है, ये मैंने बताया था ना, तो ये अब देख लो ये लंबी चौड़ी हो गई। लेकिन फिलहाल मैं अभी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए मैं बिल्ड का फोल्डर गिटहब में भेज रहा हूँ, सही है फिलहाल के लिए। तो मैंने बिल्ड का फोल्डर भेज दिया है गिटहब में, तो अब यहाँ पे ये क्या हो चुका होगा, दोबारा से डिप्लॉय हो चुका होगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये दूसरी रेपो है, यस ओके सही है, क्योंकि अब मेरा एक तो मेन क्लास कोड है और एक मैंने जो साइक्लिक से कनेक्ट की थी, तो दो रिपॉजिटरी है, मैंने दोनों में चेंज कर दिया, फाइनली अब इसको यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, रिफ्रेश किया मैंने इसको, हो गया सही है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, ये न्यू बिल्ड इसने मुझे बता दिया कि मिल चुका है मुझे। अब मैं यहाँ पे आके इस URL को दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो मुझे मेरी रिएक्ट की ऐप खुल के नजर आएगी, सही है। अब ये जो रिएक्ट की ऐप है ये कहाँ पे चल रही है, ये फायरबेस होस्टिंग पे नहीं चल रही है, ये मेरे एक्सप्रेस के सर्वर के अंदर स्टेटिकली होस्ट हुई हुई है, ठीक है। अच्छा अब एक मसला है, अगर मैं इसके ऊपर अब लगाऊं /abc एंटर तो ये मुझे क्या दे रहा है, ऐसा नहीं abc कुछ और लिखता हूँ मैं, abc तो बना हुआ है ना, xyz एंटर, तो ये क्या कह रहा है मुझे, कैन नॉट गेट xyz, लेकिन इसको करना क्या चाहिए, इसको तो 404 या तो देना चाहिए या तो इसको घुमा के index.html पे लेके आ जाना चाहिए, ऐसे ही है ना, या तो इसको घुमा के ले, लेकिन ये नहीं ला रहा। अच्छा अब ये होगा क्या, इससे मसला ये होगा कि अगर आप करते हैं ना ऐसे https और this /xyz, भाई आपका कोई राउट है ना /profile, आपका कोई राउट है, अभी तो राउटिंग नहीं की हुई मैंने, लेकिन ये प्रॉब्लम आएगा आपको जब आप ये खुद से करेंगे, ठीक है, जब आप राउटिंग वगैरह सब कुछ कर लेंगे। अब /profile का आपका एक राउट था, अगर आप मेन ऐप खोल के ना ऐसे मेन ऐप आपने खोली और आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तब तो वो सही चला जाएगा ऐसे /profile के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आके आपने अगर रिफ्रेश किया ना वो बोलेगा नॉट फाउंड, ये होता था ना पहले, होता रहे ना, ये बोलेगा नॉट फाउंड, समझ रहे हो ये बात, सिंगल पेज डिप्लॉय। तो अब मेरा एक्चुअल बिल्कुल पहुंच गया तुम सही कि अब इसको मैं ऐसा क्या करें इसमें कि ये इसको समझ में आ जाए कि ये सिंगल पेज है, ऐसा क्या करें हम, ठीक है। तो नंबर एक काम हमें ये करना है कि देखो
एक्सप्रेस के सर्वर पे जब आपकी रिक्वेस्ट आती है तो वो पाइपलाइन मैकेनिज्म पे काम करती है। मतलब ये है कि ये पहला बना हुआ है एबीसी, रिक्वेस्ट आएगी पहले इस पे गिरेगी आगे, वो चेक करेगी क्या एड्रेस स्लैश एबीसी लिखा है बंदे ने, तो यहाँ से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चला जाए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो इसके अगले पे आएगा, ठीक है मैं अगला दो तीन बना देता हूँ, सही है मैं कहता हूँ कि भाई गेट वेदर, सही है गेट वेदर एक मैंने बना दिया, सही है एक मैंने बना दिया गेट टाइम, ठीक है ये मैंने तीन चार बना दिए ना राइट, ये समझ रहे हो ना, एक स्लैश एबीसी, एक स्लैश गेट वेदर, एक स्लैश गेट टाइम। अब ऐसी रिक्वेस्ट आई जो तीनों पे मैच नहीं हुई तो वो फिर जाएगी लास्ट में ऐप डॉट यूज स्लैश, ठीक है ऐप डॉट यूज स्लैश। अब ऐप डॉट यूज का क्या मतलब है कि कोई भी मेथड हो, कोई भी मेथड हो लेकिन रिक्वेस्ट स्लैश की होनी चाहिए। लेकिन मेरे केस में रिक्वेस्ट किसकी आ रही है, स्लैश प्रोफाइल की आ रही है, जो कि इससे मैच नहीं करेगा, ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा। तो वो ये जब क्रॉस कर गया ना जब, और आगे कोई नहीं है ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप कुछ भी नहीं आगे, तो वो बोल देगा भाई कैन नॉट गेट, दैट्स इट। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जब इनमें से किसी से भी मैच ना हो ना रिक्वेस्ट, इससे भी मैच ना हो इवन, तो मैं लास्ट में उसको इंडेक्स का पेज भेज दूँ। मैं ये करूँगा ऐप डॉट यूज, बल्कि ऐप डॉट गेट करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं गेट रखूँगा तो क्या डिफरेंस है, यूज रखूँगा तो क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा स्टेरिक, सही है, और स्टेरिक करने के बाद यही वाला पूरा का पूरा कोड मैं लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई अगर ऐप डॉट यूज स्लैश की रिक्वेस्ट आए, ठीक है मिसाल के तौर पे बंदा अगर लिख रहा है ना कि हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस डॉट साइक्लिक डॉट ऐप, या जैसे अगर मैं डोमेन अगर कनेक्ट कर लूँ फिर क्या sysborg.com, तो अगर बंदा sysborg.com लिख रहा है ना तो ये मैच हो जा रहा है उससे, ठीक है। लेकिन sysborg.com स्लैश प्रोफाइल अगर लिख रहा है ना तो वो इससे मैच नहीं होगा, इससे लेकिन वो मैच हो जाएगा। लेकिन वो रिक्वेस्ट गेट की होनी चाहिए, पोस्ट की नहीं होनी चाहिए, वो रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए, गेट की होनी चाहिए, पोस्ट की नहीं होनी चाहिए। अब सवाल है इसमें, अब सवाल इसमें ये है कि भाई गेट की रिक्वेस्ट तो ये भी है ना गेट टाइम गेट वेदर, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने बोला sysborg.com/getweather तो वो भी तो इससे मैच हो रहा है, तो अब ये ऊपर वाला जाएगा या ये नीचे वाला जाएगा, ऊपर वाला जाएगा, क्यों कि ये पाइपलाइन मैकेनिज्म पे काम करता है, रिक्वेस्ट ऊपर से गिरेगी। अगर किसी ने बोला है ना sysborg.com/getweather तो रिक्वेस्ट कभी यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, वो ऊपर से ही मैच हो जाएगी और यहीं से रिस्पॉन्स वापस चला जाएगा, वो नीचे तक पहुँचेगी नहीं कभी भी, समझ रहे हो बात ये। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐप डॉट गेट स्टेरिक, अच्छा इसको मैं ऐप डॉट यूज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी दोनों का डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं, ठीक है इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा ना तो फिर क्या होगा, अगर किसी ने पोस्ट की रिक्वेस्ट की है तो भी ये भेज रहा होगा उसको, लेकिन मुझे यहाँ पे गेट चाहिए, सही है। मैंने कहा भाई गेट की रिक्वेस्ट हो और अगर यूआरएल मैच नहीं कर रहा हो तो आप इंडेक्स उठा के भेज दो, सही है। आके देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। अब मैं करता हूँ स्लैश और कुछ भी आगे मैं बात लिख देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ तो मुझे क्या मिला, वह अच्छा उसको पुश भी तो करना पड़ेगा, पुश भी तो करना होगा ना। मैंने कहा भाई सिंगल पेज होस्टिंग, सिंगल पेज होस्टिंग टेक्निक, सही है, और मैंने ये कोड पुश कर दिया, अरे यार फिर मैंने गलत रिपॉजिटरी में चेंजेस कर दी। वेल अब मैं ये करूँगा कि मैं ये पूरी फाइल यहाँ से कॉपी करूँगा और इधर इसको लाके पेस्ट करूँगा, सही है ऐसे करूँगा, सही है। मतलब जो चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही मुझे वहाँ पे भी करनी पड़ रही है, क्योंकि ये वाला कोड मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे तमाम क्लासेस का कोड एक जगह मिले, और अब
प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से जब मैं कोड लिखता हूँ तो उसको साइक्लिक से कनेक्ट नहीं कर सकता मैं। साइक्लिक से कनेक्ट करने के लिए रूट के ऊपर पैकेज डॉट जेसन की फाइल चाहिए, इसलिए मैंने अलग रिपोजिटरी बनाना मेरी मजबूरी है इस पॉइंट में। लेकिन उससे हुआ ये, अब दो दो रिपोजिटरी बन गई है। सही है, तो सिंगल पेज होस्टिंग टेक्निक अब यहाँ पे ये आ चुका है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं बोलूँगा ना स्लैश प्रोफाइल, लेकिन प्रोफाइल अगर मौजूद नहीं है और मैं एंटर करूँगा तो उसको मुझे यार दे देना चाहिए था, क्या बकवास है। एक मिनट में लोकल वाले पे तो चेक करूँ, मुझे लग रहा है मैंने कोड में कुछ गड़बड़ की है। मैं सर्वर को ज़रा लोकली तो रन करूँ। अच्छा लोकल जो चलेगा वही क्लाउड पे भी वही चलेगा, सही है। तो मतलब लोकल अगर आपके पास सही चल रहा है तो क्लाउड पे भी सही चलेगा। तो मैं इसको जो लोकल होस्ट 3000 पे मैंने इसको रन किया हुआ, राइट, तो मैं ज़रा लोकल होस्ट 3000 पे ही आ जाता हूँ ना, बल्कि उसका मैं पोर्ट भी चेंज कर देता हूँ यार। 3000 पे ना लगता है कि वो npm start react का चल रहा है, इसको मैं 5001 पे कर देता हूँ, राइट, ताकि थोड़ा फील आए कि नहीं यार ये सर्वर अलग पोर्ट पे है। तो मैंने कहा भाई लोकल होस्ट 5001 एंटर, तब तो ये रिएक्ट की मुझे फाइल दे रहा है स्लैश। अब मैं बोलता हूँ प्रोफाइल, तो इस पर भी मुझे, क्योंकि प्रोफाइल बना हुआ नहीं है तो मुझे ये रूट पे ले आना चाहिए इसको, लेकिन ये नहीं ला रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुझे स्लैश स्टैटिक लगाना होता है क्या? अच्छा एक चीज़ और, एक तो मैं चला रहा हूँ ना npm start, मैं एक स्क्रिप्ट इसमें और लिख लेता हूँ, वो स्क्रिप्ट में क्या लिख लेता हूँ dev, क्योंकि आप देख रहे हैं जब भी चेंज कर रहा हूँ मुझे बार बार उसको रोक के चलाना पड़ रहा है। तो उसके अंदर एक मैं dev लिख लेता हूँ, मैं इस स्क्रिप्ट को डेवलपमेंट में चलाऊँगा सिर्फ, और मैं क्या कर सकता हूँ नॉट सर्वर डॉट mgs -- वॉच। सही है, इससे क्या होता है जब -- वॉच के साथ कमांड चलती है तो वो देख रहा होता है कि अगर जैसे ही फाइल में कोई चेंजेस होती है उसको रीस्टार्ट करता है। अच्छा इससे पहले ना इस काम के लिए हम एक नॉट मॉन करके टूल होता था वो यूज़ करते थे, लेकिन ये बिल्ट इन आ चुका है नॉट जेएस के अंदर, नया वाला जो नॉट जेएस है, तो हमें नॉट मॉन की अब ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब लिखूंगा npm run dev, राइट, ऐसे करके मैं लिखूंगा। अब जब भी मैं आके यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ ना, जैसे मैंने स्लैश हटाया और सेव किया, ओए ये क्यों नहीं चल रहा भाई, एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ मैंने कोई गलत तो नहीं लिखी कमांड, नॉट ऐप -- वॉच। नहीं तो 2018 की कमांड है, अच्छा -- वॉच पहले लगाना होता है, सही है, कमांड कुछ इस तरह है -- वॉच पहले मैंने लास्ट में लगा दिए, शायद इस वजह से वो सही काम नहीं कर रहा। तो आ जाते हैं हम जरा इसको -- वॉच इस तरफ लगा देते हैं, सही है। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है। अब मैं आके अपनी फाइल में कोई चेंजेस करता हूँ, हाँ सही चल रहा है, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। मैंने स्लैश लगाया, जैसे ही सेव करूँगा ऑटोमेटिक सर्वर रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हमने सीख लिया इस दरमियान में इसके। यार ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसमें यूज़ लगा दूँ तो, हाँ अब चल रहा है यार, ये क्या चल? अच्छा 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 आई गॉट इट लगेगा यहाँ पे गेट ही, लेकिन यहाँ पे ना मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश करके ना वो इंडेक्स डॉट html पूरा लिखना पड़ेगा, सही है। अब देखते हैं, ओह यार क्या बकवास है, सिर्फ स्टैटिक लगाता हूँ अगर तो। अब मुझे लग रहा है मैं स्टैटिक भी गलत लिख रहा हूँ कुछ, सही है, ऐप डॉट गेट स्टैटिक, अगर ज़रा मैं यहाँ पे लिखूँ ना
हाँ एक्सप्रेस राउटिंग में चलते हैं, ये डॉक्यूमेंट में बता रहा होगा कि ये स्टेरिक वाला लिखा कैसे जाता है। मुझे लग रहा है वो मैं स्टेरिक जो लिख रहा हूँ ना वो मैं सही नहीं लिख रहा हूँ। स्टैरिक मतलब गेट की रिक्वेस्ट है और यूआरएल में कुछ भी हो तो इसको चलना चाहिए यार, क्यों नहीं चल रहा है? नेटवर्क में चलते हैं, इसको रिस्पांस में मिल गया रहा है, देख लेते हैं। 404 मिल रहा है इसको रिस्पांस में। एक मैं नीचे ना ऐप डॉट यूज़ और बना रहा हूँ, जरा ये मैं यूआरएल देखना चाह रहा हूँ, इसको यूआरएल यहाँ पे क्या मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब कुछ गलत यूआरएल मिल रहा है इसको। स्लैश प्रोफाइल कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है। ये चक्कर है यार, बहुत अजीब सी चीज़ हो रही है। अच्छा मैं अगर इसी ऐप डॉट यूज में स्टैरिक लगा दूं, अगर तब तो सही चल जाता है। अच्छा इस ऐप डॉट यूज में स्टैरिक लगाने से भी एक मसला है इसमें भी, इसमें स्लैश ही लगेगा, स्टैरिक लगेगा इसके अंदर, और ये स्टैरिक लगने पे पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा, पागल हो गया ये। अरे चल गया। मुझे इतना याद है कि एक पे मुझे स्लैश लगाना होता है, एक पे मुझे स्टैरिक लगाना होता है, ये दोनों लगाने से ये फिर ये सही काम करता है, सही है। तो अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके आगे मैं कुछ और लिखूँगा। हाँ यार चल तो बिल्कुल सही रहा ये। बिल्कुल सही चल गया अब तो ये। हमें सिंगल पेज अचीव करना था वो हो गया, जो सिंगल पेज में अचीव करना था ना वो तो काम मेरा हो गया, बस सही है ये तो, बेहतरीन हो गया। तुक्के में चला ही मैं पहले जो चलाता रहा हूँ, एक मिनट बल्कि मैं ये खोल के रखा हुआ था ना मैंने यहाँ पे कोड। हाँ ओके गॉट इट, अब ये देख रहे हो ये मैंने मिस्टेक क्या की थी, ये मेरा वो वाला कोड है जहाँ से मैंने ये DIR नेम देखा था, ये वो वाला कोड है ना। अच्छा इसमें देखो कैसे किया था मैंने, ऐप डॉट यूज स्लैश को मैंने लगाया टॉप पे, ठीक है, और उसके बाद बीच में APIs हैं तमाम की तमाम, और उसके बाद क्या किया मैंने ऐप डॉट गेट में स्टैरिक, डबल स्टैरिक काम कर रहा है, सिंगल स्टैरिक शायद इसमें नहीं लगता गेट के साथ, डबल स्टैरिक लगाया है तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, और इसमें index.html तक का पूरा एड्रेस दिया मैंने, सही है।
तो ये भी एक आपके पास एग्जांपल मौजूद है, इस रिपोजिटरी का नाम है एक्सप्रेस सर्वर इन नॉर्ड सीएलआई पैकेज। ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब जो कि अनसक्सेसफुल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो सही है, ठीक है। तो मैं असल में मिस्टेक ये कर रहा था कि इसमें मैंने गेट लगाना था और स्टैटिक डबल लगाना था, सही है, ये चक्कर था, बिल्कुल सही चल गया। देखा वो स्टैटिक असल में सिंगल उसमें नहीं लगता, गेट में डबल लगता है। और अब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ सब चीज़ें लगा के, ये मसला नहीं है। हाँ यहाँ पर मुझे फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी लिखना होता है क्योंकि वेरी स्पेसिफिक। अब मैं चीज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पर, नहीं यार वही सही था, उसी को वापस वैसे ही कर देते हैं। हैव नॉट यूज स्टैटिक, खत्म। स्लैश पे भी और स्टैटिक पे भी, दोनों पे मुझे ये वाली फाइल भेजनी है। राउटर अभी यूज होगा बिल्कुल, अभी हम वेदर ऐप बनाएंगे खुद की। होगा बिल्कुल होगा, उसी के लिए तो ये कर रहे हैं, वरना ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर हम ये नहीं करेंगे ना काम, सिंगल पेज इसको प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो वो फिर राउटर काम नहीं करता हमारा। जैसे अभी लास्ट टाइम किसके साथ हुआ था जो नेटलीफाई पर डिप्लॉय किया था, तो क्या होता था कि भाई आप स्लैश प्रोफाइल के पेज पर जाते थे सही चले जाता था, लेकिन स्लैश प्रोफाइल पर जाके जब रिफ्रेश करते थे तो वो बोलता था नॉट फाउंड। उसके लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन भी की थी कुछ उसी क्लास में अंदर जाके, उसको सिंगल पेज ऐप बनाने के लिए। सिंगल पेज में क्या होता है कि अगर कोई पाथ उसको नहीं समझ आता तो वो घुमा के इंडेक्स का पेज लेकर आ जाता है, सही है। तो ये होता है, तो ये हमने सिंगल पेज ऐप को ना होस्ट कर लिया है। कहाँ पे होस्ट कर लिया? अपने एक्सप्रेस के सर्वर पे। अच्छा मैं जल्दी से इस पूरी फाइल को कॉपी करता हूँ और उस वाली रिपोजिटरी में ले जाता हूँ उसको मैं, सही है, और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा भाई सिंगल पेज सक्सेस, ठीक है, ताकि साइक्लिक पे भी एक बार डाल के भी चेक कर लेंगे भाई वहाँ पे भी सही चल रहा है या ऐसे ही पारित चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। देखो दो टेक्निक्स हैं ना, दो अप्रोचेस हैं। एक तो अप्रोच ये कि अगर लास्ट में मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती ना तो स्टैटिक पे मैं 404 का पेज दिखा देता हूँ, और दूसरी अप्रोच ये है कि लास्ट में मुझे कुछ नहीं मिलता तो स्टैटिक पे मैं इंडेक्स का पेज भेज देता हूँ। तो दोनों चीज़ कर सकते हैं। सिंगल पेज जो है वो करना थोड़ा सा मुश्किल है, आमतौर पे कहीं पे गाइड वगैरह में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। बाकी 404 वाला तो बहुत कॉमन है, वो आपको सब जगह गाइड में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। लाइन नंबर 21 ये वाला नहीं, नहीं इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है नहीं। असल में अभी मैं इसको हटा के दिखाता हूँ कि क्या होगा, पहले ज़रा साइक्लिक पे आ चुका ही है, इसको चेक कर लेते हैं। मैंने ये कमिट किया भी सिंगल पेज सक्सेस, ठीक है, और ये मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया, और यूआरएल कॉपी करने के बाद इसको मैं चला के देख लेता हूँ, सही है। तो ये नॉर्मली खुल रहा है। अब मैंने स्लैश प्रोफाइल करके इसको देखना है कि उसमें भी ये मेरा पेज लेकर आता है कि नहीं आता। मैंने कहा स्लैश प्रोफाइल, उस पर भी लेकर आ गया, प्रोफाइल के आगे भी पूछा तो उस पर भी लेकर आ गया। तो नो मैटर वॉट कि मैं मतलब राउटर के अंदर राउटर राउटर के अंदर राउटर में जितना भी नेस्टेड राउटिंग कर लूँ ये मसला नहीं करेगा उसमें, ठीक है। अच्छा अब तुम जैसे कह रहे हो ना कि भाई अब मुझे इस वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हो ना, तो चलो इसको हटा के देख लेते हैं, इसको कमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। मेरा सर्वर चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? लोकल होस्ट 5001 पे चल रहा है। देखो मैंने रिफ्रेश किया, एरर आना शुरू हो गया। अच्छा ये एरर पता क्यों आ रहा है? ये एरर इस वजह से आ रहा है कि जब मुझे इंडेक्स की फाइल जब मुझे मिलती है ना, तो बाकी के जो जावा स्क्रिप्ट और सी एस एस की फाइल ना, वो इंडेक्स की फाइल उठाती है। तो उसमें एक ख़ास तरीके से उन्होंने पाथ लगाया हुआ है कि सर्वर का जो पाथ है उसके आगे से लगाओ, इसलिए मुझे ना वो ये वाला मुझे फिर लाजमी चाहिए होता है, इसके बगैर काम नहीं होगा, सही है। स्टैटिक फाइलों को सर्व असल में ये कर रहा है, तो मुझे ये दोनों की ज़रूरत है। अच्छा बाय द वे इंटरनेट पे ना ये बहुत बड़ा एक इशू है ये वाला, लोग कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ना रिएक्ट राउटर के अंदर भी ना दो टेक्निक्स हैं, एक तो है ब्राउज़र राउटर, एक होता है हैश राउटर।
हैश राउटर में क्या होता है कि उसमें हैश लगा के आगे का पाथ होता है, सही है। तो लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आप हैश राउटर यूज़ कर लो, लेकिन हैश राउटर का डाउन साइड ये है कि वो SEO में बहुत प्रॉब्लम करता है, सही है। तो ब्राउज़र राउटर के साथ एक्सप्रेस के सर्वर पे रिएक्ट को कैसे होस्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इस वक्त इंटरनेट के ऊपर। आज से नहीं है, पिछले 2-3 साल से, जब से वो ब्राउज़र राउटर आया है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने 1-2 जगह स्टैक ओवरफ्लो पे इसका जवाब भी दिया हुआ है, तो लेकिन स्टिल लोगों ने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेम सवाल हज़ारों जगह पे पूछा हुआ है, ठीक है। मसला हल हो गया है, बस अभी कोई अगर कहीं पर नज़र आए ना ये वाला सवाल, तो वहाँ पे ये आंसर कर देना है। हैश वाला सही है। अब जैसे मैं लिखूंगा ना यहाँ पे स्टैटिक होस्टिंग रिएक्ट एक्सप्रेस जीएस, ये रहा देखो, हाउ टू सर्व रिएक्ट जीएस स्टैटिक फाइल विद एक्सप्रेस। ये जो हम कर रहे हैं ना कि रिएक्ट की स्टैटिक फाइलों को कैसे सर्व करें, ये देखो इसने यहाँ तो बता दिया है कि भाई आप ऐप डॉट यूज़ करके ऐसे स्टैटिक कर दो, लेकिन मसला ये है कि वो वही मसला आता है इसके अंदर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो रिफ्रेश करो ना स्लैश प्रोफाइल पे जाके तो वो नॉट फाउंड बता देता है। अब इसमें एक बंदे ने ना काफ़ी लंबा जवाब लिखा हुआ था, इसमें मेरा भी शायद कहीं ना कहीं कॉमेंट नज़र आ रहा होगा। डिटेल आंसर मैंने भी अभी तक कहीं पर भी नहीं किया, भाई जाहिर है उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो लोगों ने ना अलग अलग इसके बारे में बातें बताई हुई हैं, लेकिन सही बात किसी ने भी नहीं बताई हुई। लोग अल्टीमेटली सजेशन जो देते हैं ना, वो 2 सजेशन है जो आपको मोस्ट कॉमन मिलेगी। एक तो लोग बोल रहे हैं हैश राउटर यूज़ कर लो, ब्राउज़र राउटर को छोड़ो बेकार है वो, लेकिन उसका कॉन भी साथ में बताते हैं कि SEO में फिर प्रॉब्लम होती है और कुछ चीज़ें सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह में भी शायद कुछ इशू करता है वो। दूसरा सॉल्यूशन ये बताते हैं कि आप ना किसी दूसरी स्टैटिक होस्टिंग पे होस्ट कर दो, फायरबेस होस्टिंग पे आप होस्ट कर दो, आप एक सर्वर पे रखो ही नहीं, ठीक है। मैं भी बड़े लंबे अरसे तक यही करता रहा था कि मैं फायरबेस पे होस्ट कर देता था जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता था अवेलेबल। अभी भी मैं वैसे बाय द वे फायरबेस होस्टिंग पे कर देता हूँ इन चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन जहाँ पे मेरे पास जाहिर है क्लाइंट कहता है मैं 2 जगह पे क्यों करूँगा, मैं 1 जगह कर रहा हूँ पे, तो फिर वहाँ पे ये वाला काम करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं वापस। तो हमारा ये अभी जो स्टैटिक होस्टिंग वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने सर्वर में क्या चेंज किया है अभी, एक दफ़ा मैं इसको चला के देख लेता हूँ सही चल रहा है, तो उसके बाद इसको मैं कमेंट कर दूँगा। हाँ नहीं, बस डबल स्टैटिक वगैरह छोड़ो, ये सबसे सही हो गया। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, वो मेरे भी शायद अभी इस तरह से मैं गेट नहीं कर पा रहा कि क्या हुआ है। मैं पहले जो कोड लिखता रहा हूँ वो तो ये वाला कोड है जो मैंने आपको दिखा भी दिया है, ये भी सही चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद ये बेटर है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि भाई नहीं, ब्राउज़र राउटर सबसे सही है, ब्राउज़र राउटर सबसे नेचुरल है, क्योंकि ब्राउज़र राउटर में वो लिंक आप शेयर भी कर सकते हो ना किसी से, वो डायरेक्ट फिर खुलता है। लेकिन हैश राउटर में आप क्या करते हो, अगर लिंक शेयर करते हो आपके उसमें वो मौजूद नहीं है तो फिर मसला करता है। सर्व ठीक है, ये जी हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब जो अगला काम है हमारा वो हमने ये करना है कि इस एक्सप्रेस की एप्लीकेशन पे, अभी तो हमने रिएक्ट की ऐप को होस्ट किया है, अब अगला काम हमने ये करना है कि इस रिएक्ट की एप्लीकेशन पे वेदर की APIs बनानी है हमने, और रिएक्ट की ऐप से उस वेदर की API को कॉल करना है। यानी अब क्या हो रहा होगा कि हमारा खुद का जो फ्रंट एंड है और वो कॉल किसको कर रहा है, हमारे खुद के सर्वर को कॉल कर रहा है, सर्वर साइक्लिक पे मौजूद होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये काम अब हमने करना है, अगला काम सही है। मेरी कोशिश थी कि हम आज ही कर लें, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन भी हमारी लंबी हो गई, हमारा टाइम अब बचा नहीं है। तो आइडियल केस ये हो
कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो आपके पास एक वेदर की एप्लीकेशन की यूआई बनी हुई हो और वो आपकी जो रिएक्ट की ऐप है वो साइक्लिक पे होस्ट हुई भी हो और आपकी जो रिएक्ट की ऐप है वो रिक्वेस्ट करती हो आप ही के सर्वर को, ये तो आपको पता चली है ना, गेट की रिक्वेस्ट स्लैश एबीसी। भाई वेदर ऐप में हम क्या कॉल करते थे, गेट की रिक्वेस्ट स्लैश वेदर फोरकास्ट, पता नहीं क्या जो भी नाम था उसका। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में, बल्कि मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि गेट वेदर के ऊपर ना रिस्पॉन्स डॉट सेंड में आप ऐसे जेसन भेज सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ये जेसन आपने भेज दिया, टेम्परेचर 30 सही है, ह्यूमिडिटी 72 ठीक है, लाइक दिस। तो अब अगर आप इस सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट करेगा ना, गेट की रिक्वेस्ट करेगा और बोलेगा स्लैश गेट वेदर, बल्कि स्लैश गेट वेदर क्यों, सिर्फ वेदर ना, मतलब गेट की तो रिक्वेस्ट ही है ना, पता चल रहा है ठीक है सही है टाइम। तो कोई बोलेगा कि गेट की रिक्वेस्ट और स्लैश वेदर, तो उसको ये वाली चीज़ मिल जाएगी सही है। साथ में मैं सर्वर का टाइम भी डाल देता हूँ, मैंने कहा सर्वर टाइम सही है, और सर्वर टाइम में मैं ये वाली बात लिख देता हूँ, ये लो, तो वहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा होगा एक साथ में। अब मैं पूरा का पूरा जेसन जितना लंबा चौड़ा जेसन में एरे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो भी भेजना है वो मैं इस तरह करके भेज सकता हूँ। तो आइडियल केस क्या हो कि ये वाली API आप सब लोग कॉल कर रहे हो अपने ही सर्वर की, और वहाँ से एक डमी डेटा आ रहा हो वेदर का जो आके आपके एक्सप्रेस की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, दैट्स इट ठीक है। तो हम फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, तो ये कोशिश कीजिएगा खुद से करने की, जो जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, चलें।